डिजाइनर मनीष मल्होत्रा जल्द ही बॉलीवुड में एज अ डायरेक्टर हमें नजर आने वाले हैं, लेकिन किसके साथ वो करेंगे अपनी फिल्म, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं बूगल बॉलीवुड। दोस्तों, मनीष मल्होत्रा की बात करें तो पिछले 30 साल से वो बॉलीवुड में काफी अच्छा काम कर रहे हैं और फिल्म रंगीला से लेके फिल्म कुछ कुछ होता है तक उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किए हैं बड़े बड़े कलाकारों के साथ और काफी इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ उनका टाई अप है। बॉलीवुड में उनका बहुत अच्छा दोस्त है जिनका नाम है करण जौहर, और करण जौहर के साथ ही वो एक फिल्म लेके आने वाले हैं। करण जौहर की बात करें तो करण जौहर धर्मा प्रोडक्शन के मालिक हैं और करण जौहर ही मनीष मल्होत्रा की इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। मनीष की बात करें तो उनके माइंड में एक आइडिया है कि पार्टीशन को लेकर एक फिल्म बननी चाहिए और इस फिल्म में एक रोमांटिक लव स्टोरी भी दिखाई जाएगी। अगर हम 1947 की बात करें तो बॉलीवुड में काफी ज्यादा मूवीज बन चुके हैं 1947 को लेकर और काफी ज्यादा बुक्स को भी पब्लिश किया गया है, लेकिन मनीष मल्होत्रा कुछ अलग ही लेके आने वाले हैं इस फिल्म में और इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे करण जौहर। करण जौहर की बात करें तो करण जौहर के पास और भी काफी मूवीज हैं प्रोड्यूस करने के लिए और धीरे धीरे करके सभी मूवीज रिलीज होगी। अगर हम मनीष मल्होत्रा की इस फिल्म की बात करें तो ना ही इसका टाइटल रिवील किया गया है और ना ही इसकी स्टार कास्ट के बारे में कुछ पता चला है, लेकिन इतना जरूर कंफर्म है कि बॉलीवुड के मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर जिनका नाम है मनीष मल्होत्रा, वो एज अ फिल्म डायरेक्टर बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। तो अब देखना यही बाकी है कि इस फिल्म की शूटिंग कब शुरू होती है और कास्टिंग क्या होती है इस फिल्म की। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है मनीष मल्होत्रा की आने वाली फिल्म पे, आप अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा और बॉलीवुड के साथ यूं ही जुड़े रहने के लिए देखते रहेगा हमारा चैनल जिसका नाम है बूगल बॉलीवुड।